अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर जाएं और जाकर कमेंट वीडियो को सर्च करें और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मूव कर दिया आज के ट्रिक की तरफ। सो गाइस आज आपके लिए बहुत कमाल की ट्रिक लेकर आए हूँ यार। बहुत से लोग हैं तो मल्टीपल ब्राउजर यूज़ करना चाहते हैं अपने पीसी लैपटॉप पर और वो इतने ब्राउजर डाउनलोड नहीं कर पाते, उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है। ओके गाइस आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग बगैर डाउनलोड किए कोई ब्राउजर आप लोग मल्टीपल ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। आप यकीनन यार सोच रहे होंगे कि बगैर डाउनलोड किए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप यकीन माने आपको मैं 100% प्रैक्टिकल करके 100% प्रूफ आपको दूंगा कि मैंने किस तरह मल्टीपल ब्राउजर ऐड किए हूँ और उनमें यूज़ कर रहा हूँ। ओके तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलता हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कितने ब्राउज़र पड़े हुए हैं। ये चलो इन तीनों को छोड़कर ये देखिए गूगल क्रोम 1 है। आगे मैंने इसके YT नेम दे दिए हैं, YT चैनल, YT 2, YT 3। देख सकते हैं 12 के बाद 13, 14 और 15 तक हो चुके हैं। ओके तो आप लोग ये किस तरह ऐड कर सकते हैं, आप लोगों ने आ जाना है गूगल क्रोम पर। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम डाउनलोड किया, देन आप लोगों ने आ जाना है इसे ओपन कर लेना। जस्ट आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है और कोई ब्राउज़र आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर जो साइन इन वाला आइकन होता है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। ओके देखिए मैं अभी तक कोई साइन इन यहाँ पर नहीं हूँ और हम साइन इन होंगे भी नहीं। ओके अगर आप होना चाहें तो हो सकते हैं, वो भी आपको तरीका बता दूँगा। आप लोगों ने ये ऐड कर देना है, अगेन आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोग सबसे नीचे आ गए और यहाँ पर गेस्ट के नीचे एक है ऐड। ओके आप लोगों ने इस पर ऐड पर्सन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ से कोई भी आइकन उठाना और यहाँ पर इसे नेम दे देना है। ठीक है मैं YT16 दे देता हूँ। ओके आप लोग देख सकते हैं कि हम बना रहे हैं इसे, एक ऐड कर रहे हैं नया। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू क्रोम। ओके सेट अप योर ब्राउजर इन अ फ्यू सिंपल स्टेप। आप लोग देख सकते हैं अगर साइन इन करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ओके यहाँ पर करेंगे, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर नो इंटरनेट का ऑप्शन आ गया। ओके गेट स्टार्टेड कर देंगे। यहाँ पर आप लोग जो सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है अगर ना करना चाहें तो ना करें। ओके नेक्स्ट कर दें या स्किप कर दें, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है, यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं। ओके आप लोगों ने इसे नेक्स्ट कर देना है। सॉरी यार थोड़ी मैं इस स्क्रीन को विक कर लेता हूँ। ओके आप लोग देख सकते हैं नो सेट एज डिफॉल्ट करना है या स्किप करना है, स्किप कर देंगे। ओके नो थैंक्स एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके इंटरनेट कनेक्शन का फिर वही प्रॉब्लम, और अगर आप लोग यहाँ से कर देते हैं नो थैंक्स तो आप लोगों का ब्राउजर रेडी है। ओके आप लोगों को अब मैं दिखा देता हूँ क्या वाकई मेरा जनरेट हुआ है या नहीं। ओके यहाँ देखिए ये 16 है। ओके आप लोगों के सामने ये देखिए, अब मैं इसे 15 के साथ ऐड कर देता हूँ आपके सामने। एक इसी से मैं अगेन नया ब्राउजर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके आप लोगों ने अगेन इसी आइकन पर क्लिक करना है, आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पर सॉरी आ जाना है ऐड वाले ऑप्शन पर। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों ने एक पिक उठा लेनी है, कोई भी पर्सन चूज किया, नेम दिया YT17 या कोई आप लोग जो मर्जी अपना यहाँ पर नेम रख लें। ओके आप लोगों ने फिर नेम करते जाना है। ओके गेट स्टार्टेड नेक्स्ट। ओके आप लोग ये वाला लैंडस्केप कर लें। ओके आप लोग कोई भी कर लें यहाँ से स्केप एंड नो थैंक्स, आप लोग देख सकते हैं आपका ब्राउजर रेडी है। ओके यहाँ पर आप लोग इसे साइन इन भी कर सकते हैं, साइन इन करना चाहें तो साइन इन कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं आप लोग जितने मर्जी यहाँ पर ब्राउजर ऐड कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने ब्राउजर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ओके ठीक है ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों ने इसे फॉलो करते रहना है। फॉलो करते रहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपके सामने तीसरा क्रिएट करने वाला हूँ। ओके यहाँ पर हम इस पर क्लिक करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर। ओके YT18 इसलिए तीसरा कर रहा हूँ ताकि कुछ लोग कहते हैं यार आपने एक दो क्रिएट किए थे और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ था, या मतलब इस किस्म के लोग बातें करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको वही बात बताता हूँ जो यकीन माने, जिससे मैं खुद फ़ायदा हासिल करता हूँ। ओके तो नेक्स्ट आप लोगों ने एक नो थैंक्स कर देना है, आप लोगों के एक और ब्राउजर रेडी। ओके अब इसे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 17 और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 18। ओके ये भी आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास थे
15, 16, 17, 18 मैंने अब क्रिएट किए, 18 ये है, 19 ये है और 20 ये बना हुआ है, ओके। तो आप लोग इस तरह मल्टीपल ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये मैं कोई और ब्राउजर करता यकीन मैंने इस वक्त मेरा जो लैपटॉप है वो अब हैंग होना शुरू हो जाता, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्राउजर हम के कोई भी रैम जिसकी कम, इसकी रैम थोड़ी कम है, ठीक है, नॉर्मल है इसकी रैम, ओके, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन यकीन माने अब देखें यहाँ पर विदाउट एनी हैंगिंग ये रन कर रहा है, ओके। तो आप लोग भी इस तरह ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप ऐड करना चाहें आप कर लें, ठीक है। इसके आप फायदे क्या आप लोग सोच रहे होंगे, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने मैं शो करने वाला हूँ कुछ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और आप लोगों के पास में मुख्तलिफ कोर्सेज अब ले आने वाला हूँ, मोस्ट एडवांस तरीन है, इनमें आप लोगों के इंशाल्लाह अगले तक आपके साथ चलूँगा, ओके। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, यार वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कमरे टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।